बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं शलजम की सब्ज़ी। और उसके लिए ली हमने आधा किलो शलजम, एक मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ की टमाटर, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तेल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें। लहसुन अदरक को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे प्याज, मिक्स करेंगे और प्याज को भी सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को सॉफ्ट करने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। फ्राई करने के बाद डालेंगे फ्रेश क्रीम, मिक्स करेंगे। और कवर करके ऑयल सेपरेट होने तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें डाल देंगे शलजम। शलजम को मसाले में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद फिर से कवर करेंगे और लो फ्लेम पर शलजम को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। शलजम सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शलजम की सब्ज़ी तैयार है। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।